वेलकम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके पहले देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और इसके डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के, उसके बाद उसके इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है उनके इफेक्ट पढ़ेंगे हम, और उसके बाद इसके जो मेन मेन कंटेंट है, इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, हम उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट में ये जो है इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश, जिसे आप कहते हैं चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की दोनों का फ्लो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन और आवेश का, इलेक्ट्रॉन और आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन भी साथ में और चार्ज मतलब आवेश, इन दोनों का जो फ्लो होगा ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे समझेंगे, पहली बात ये देखते हैं क्योंकि इसमें दो पॉइंट है, एक तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है चार्ज मतलब आवेश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा उसके साथ चार्ज भी फ्लो करेगा तब ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है ये है इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश के प्रवाह की दर करंट कहलाती है। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश के प्रवाह की दर इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब इसमें इस डेफिनेशन में हमने देखा, लेकिन इसका एक बेसिक कंटेंट है जो इसके कन्वेंशनल, इसकी जो मेथड है ये मेथड को देखेंगे हम। इस मेथड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट में ये कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, एक बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये बैटरी सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किए या ईएमएफ दे दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी आई करंट, ये क्या है आपका कंडक्टर, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी ये कैसे होगी इसे देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो करंट फ्लो होने की स्पीड है ये यहां से करंट फ्लो होगी आई करंट यहां से होती हुई इस कंडक्टर के अंदर होती हुई, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है, मतलब यहां से पॉजिटिव करंट फ्लो हुई इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर से सी में क्या होगी, नेगेटिव की ओर आता है, मतलब पूरा एक लूप, एक पूरा पाथ बन रहा है इसमें। तो इसमें जो करंट का फ्लो है, देखो बेसिक जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होगी, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसमें किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, तो ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। लेकिन एक और कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, कन्वेंशनल मेथड ये कहता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होगी। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड में ये कहा गया है कि करंट जो है आवेश का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या चार्ज का प्रवाह जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो तो वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हमने बुक में ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, देखो कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और बेसिक जो मेथड होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन इसके अपोजिट कन्वेंशनल मेथड क्या दिया गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब ऐसी करंट फ्लो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये कहा गया कन्वेंशनल मेथड कि ये जो करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होगी, ठीक है दोस्तों। अब एक कन्वेंशनल मेथड में बोला गया है, इस मेथड को हमें याद रखना है क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर की सेल्फ प्रॉपर्टी होगी, उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी,
और इसमें जो करंट फ्लो होगी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। ठीक, अब कैपेसिटी ऑफ करंट देखेंगे हम, तो कैपेसिटी ऑफ करंट में क्या होगा, ये आपका कैपेसिटी ऑफ करंट है। चलिए कैपेसिटी ऑफ करंट का कैसे देखेंगे हम, यदि कैपेसिटी ऑफ करंट देखना है तो करंट की कैपेसिटी के लिए एक फार्मूला है, कैपेसिटी ऑफ करंट। तो करंट की कैपेसिटी निकालेंगे आप, तो करंट की कैपेसिटी के लिए जो फार्मूला है I equal Q upon T, I equal Q upon T, ये करंट की कैपेसिटी मतलब करंट का जो फार्मूला है ये क्या है, चार्ज और ये क्या है टाइम अर्थात समय, मतलब ये जो आवेश है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है फ्लो होती, यही कहा गया है। अब ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिकली दो टाइप के, अब इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप की कैसी होगी इसलिए देखेंगे हम। फर्स्ट है आपका एसी करंट, कौन कौन सी एसी, और सेकंड है आपकी डीसी करंट। तो एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी हो गया आपका डायरेक्ट करंट। अब ये दोनों करंट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष में क्या होगा परिवर्तित होगा, समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा, वो क्या कहलाएगी अल्टरनेटिंग करंट, उसे क्या कहेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष में परिवर्तित हो उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब यदि इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव शेप होगी ये इस टाइप से होगी, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, तो इसमें ये जो मान होगा ये किसके रिस्पेक्ट में है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है करंट आई होगा, ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, और बीच का जो पॉइंट होगा ये क्या होगा जीरो होगा, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यदि ये जो हाफ साइकिल है ये पाई, पाई के मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, वैसे ही फिर हाफ साइकिल और चलेगी नेगेटिव की तो ये हो जाएगा 2 पाई मतलब 2 × 180, ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, अर्थात एक साइकिल पूरा करने में वन साइकिल पूरा करने में कितनी डिग्री 360 डिग्री होगा, और हाफ साइकिल में हाफ साइकिल में कितनी डिग्री होगा 180 डिग्री, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा 180 डिग्री, तब ये दोनों कॉम्बिनेशन जब जुड़ेंगे ये दोनों तो ये होगा 360 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसे समझेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाएगा, जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष में परिवर्तित होता रहे, समय के सापेक्ष में परिवर्तित होता रहे वो कहलाएगा अल्टरनेटिंग करंट। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये है शाई वेव, शाई वेव, ठीक है, ये है शाई वेव। तो इसमें करंट की मैंने वेव शेप बनाया, इसमें हाफ साइकिल पाई होगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो हाफ साइकिल चलेगा पाई 180 डिग्री और फिर हाफ साइकिल चलेगा नेगेटिव, ठीक है, टोटल हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 × 180 और 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष में परिवर्तित होते रहता है तो वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब यहां पर ये जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट के बारे में भी हम पढ़े, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसका जो परिमाण है, डायरेक्ट करंट का परिमाण और दिशा ये दोनों जो है समय के सापेक्ष में क्या होगा समान रहेगा, क्या है समय के सापेक्ष समान रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, समय के सापेक्ष समान ही रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा डायरेक्ट करंट, अर्थात जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड जिसे आप परिमाण कहते हैं और दिशा अर्थात डायरेक्शन ये समय के साथ किसके साथ समय टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल रहेगा, सापेक्ष में समान रहेगा, परिवर्तित उसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसकी वेव शेप में कोई परिवर्तन ना हो, उसके
टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस ना हो तो ये कहलाएगा डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट यदि हम वेव शेप देखें तो डायरेक्ट करंट की वेव शेप कैसे बनेगी, ये हो गया आपका 0 पॉइंट, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब ये जो है ये किसके रिस्पेक्ट में, करंट के, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेव हमारा जो ग्राफ बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, करंट और टाइम के बीच में, ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट बन रहे हैं। तो किस वेव शेप किसके डायरेक्शन बनेगा, किसके सापेक्ष बनेगा, टाइम और करंट के रिस्पेक्ट में बनेगा। कहने का मतलब ये है यदि ये 0 पॉइंट से ये dc है, यदि यहां पर जो इन दोनों की लेंथ है वो इक्वल है, यहां पर भी आपको लेंथ इक्वल मिलेगी, बराबर मिलेगी, यदि यहां पर भी चेक करेंगे तो आपको लेंथ बराबर ही मिलेगी स्टूडेंट। तो इसमें समय के सापेक्ष में dc में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके वेव शेप में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब समय के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये कहलाएगा डायरेक्ट करंट, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने जो ग्राफ बनाया है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बनाया, अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है ये टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल रहेंगे, टाइम के सापेक्ष बराबर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका डायरेक्ट करेंट, ठीक है दोस्तों। इतना तो समझ में आना चाहिए। अब एसी अल्टरनेटिंग करेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, तो बिजली में, ठीक है, डायरेक्ट एसी करेंट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मोटर में करते हैं, ठीक है, एसी वाली मोटर जितने भी इंडक्शन मोटर हैं एक मोटर पे हम उसका यूज करते हैं, उसके बाद क्या बिजली घरों में यूज करते हैं बिजली में, ठीक है, बल्ब जलाने के लिए, और कहाँ करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में करते हैं, एसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, डीसी को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों में क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये समय के सापेक्ष में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है समय के सापेक्ष समान है, इक्वल है, इसीलिए इन दोनों में परिवर्तन नजर आ रहा है। इसके वेव शेप में अलग परिवर्तन है, इसके वेव शेप में अलग परिवर्तन है, लेकिन डायरेक्ट जो करंट है जैसे कि इसका यूज करते हैं डीसी सेल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि डीसी सेल में संचित ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर हो गया आपका इसका अलग यूज कहाँ करेंगे हम, जैसे डीसी के जितने भी कंपोनेंट है उनको सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट हो उसको डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है, एसी सप्लाई नहीं दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है उसको हम डीसी सप्लाई, मतलब डीसी से ऑपरेट करेंगे। आपका मोबाइल चार्जर हो गया, जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसे भी डीसी सप्लाई दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम डायरेक्ट करंट का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट का इस मोटर के लिए भी करते हैं, डीसी मोटर को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, डीसी मोटर को सप्लाई देके डीसी मोटर को चलाने के लिए भी आपको डायरेक्ट करंट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर डीसी का हम यूज करते हैं, वैसे ही एसी का भी यूज करते हैं। हमारे घर की जो बिजली है जो हमारे घरों में मेन पोल से सप्लाई आता है वो एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए इसका परिमाण समय और डायरेक्शन जो है समय के साथ परिवर्तित होता है, इसीलिए हमें विद्युत का झटका लगता है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ साइकिल क्या होगा पॉजिटिव एसी में। अब हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो यहां से चलकर इनका इसका परिमाण दिखे, देखो इसका मैग्नीट्यूड यदि हम चेंज करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस टाइम में यहां इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू थी इसकी कम होगी, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, एक समय ऐसा है कि यहां का जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा उसके बाद फिर डाउन डाउन होते हुए कहां पर आ जाएगा, एक पीक पॉइंट, मतलब जीरो पॉइंट पे आ जाएगा, पीक पॉइंट से जीरो पॉइंट पे आ जाएगा। वैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल भी यहां पर देखेंगे तो ये इसका जो मान है ये आईएम मतलब कि मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट का जो एम्पलीट्यूड है ये कितना हो जाएगा, यहां पर आईएम हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस आईएम में रहेगा और ये क्या रहेगा पॉजिटिव आईएम में रहेगा। अब वैसे ही यहां पर जो है इतना इसके बीच का जो मान है ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इस हाफ साइकिल को आधा करते हैं तो इसका जो यहां से यहां तक का जो मान है ये पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री और यहां से ये 90 डिग्री, तब दोनों में लगे कितने होंगे 180 डिग्री, मतलब कि स्टार्टिंग जीरो पॉइंट से मैक्सिमम पीक पॉइंट तक पहुंचने तक
इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद फिर 90 डिग्री से फिर जीरो पॉइंट में पहुंचने के लिए फिर 90 डिग्री बनाएगा। तो इस साइड का पॉइंट जो एंगल है 90 डिग्री और इस साइड का एंगल 90 डिग्री, तो टोटल 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल इसका मैक्सिमम करंट और पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम करंट और नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमम करंट आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, इसका यूज करने इलेक्ट्रिक करंट का जहां यूज करेंगे तो उसके कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं, तो कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कैपेसिटी ऑफ करंट है इसमें क्या है, ये I इक्वल क्यू अपॉन टी होता है। क्यू क्या है इसका, ये चार्ज है और ये टी क्या है टाइम है, और ये आई क्या है ये है करंट। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम यदि हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई का मान यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, आई का मान निकालना कि ये हो जाएगा क्यू है तो वन कूलम अपन टाइम दिया हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा एक सेकेंड। ये है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का I का मान निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल क्या हो जाएगा 1 एम्पीयर। कितना हो जाएगा 1 एम्पीयर, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल 1 एम्पीयर। अब ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। अब ये क्या होगा इसकी यूनिट, इसका प्रतीक क्या होगा, इसे हम आई से शुरू करेंगे, ये क्या होगा इसका प्रतीक। ठीक है दोस्तों, अब एक मेन पॉइंट हमारे पास ये बताना चाहिए हम, इसमें क्या होता है यदि करंट का हम यूज कर रहे हैं तो इसकी चाल कितनी होती है, इसकी चाल करंट की जो चाल है ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। करंट की चाल कितनी होगी, जितनी प्रकाश की चाल होगी उतनी ही करंट की चाल होगी, करंट की गति होगी। ठीक है, ये कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी चाल कितनी होगी, जितनी प्रकाश की चाल है उतनी ही करंट की भी चाल होगी। प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उतनी ही करंट की भी होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों की क्या होगी इक्वल होगी। तो जितनी प्रकाश की चाल है उतनी ही करंट की भी चाल है दोस्तों, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि करंट की जो चाल है वो कितनी होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अभी हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो करंट की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, अब ये करंट की वैल्यू हमने कैसे निकाला है, हम ये देखेंगे करंट की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला है I इक्वल 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड हमने निकाला, अर्थात करंट की वैल्यू 1 एम्पीयर, ये एक डिग्री 1 एम्पीयर करंट है, मतलब 1 कूलम यदि हम देते हैं 1 सेकंड के लिए, 1 कूलम 1 सेकंड के लिए देते हैं तो वो 1 एम्पीयर कहलाएगा। वैसे ही इसमें I का जो मान हो जाएगा 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 कूलम बराबर कितना होता है दोस्तों 6.25। ठीक है, कितना होगा 6.25 × 10⁻⁴, इसका मान कितना निकलेगा 10⁸, और 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में कितना होता है, 1 सेकंड का मान रख लीजिए 1 सेकंड, ये कितना निकल जाएगा, I का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, अर्थात 1 कूलम का मान कितना होगा, 1 कूलम बराबर कितना हुआ 6.25 × 10⁸। ठीक है, और ये 1 सेकंड, इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो I इक्वल क्या हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इस कारण 1 एम्पीयर, क्या हो जाएगा 1 एम्पीयर, इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अब गैसों में भी करंट फ्लो होती है, तो गैसों में जो करंट फ्लो होती है ये कैसे होती है, गैसों में करंट फ्लो, तो गैसों में करंट फ्लो कैसे होगी ये भी देखेंगे हम। तो
तो गैसों में जो करंट फ्लो होती है ये पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव एंड नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो गैसों में जो करंट फ्लो होती है, गैसों में करंट फ्लो कैसे होती है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, मतलब आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, यदि इसको मैं शॉर्ट करूं तो ये क्या हो गया, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब गैसों में जो है करंट का फ्लो कैसे होता है, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों में मिलके क्या बनाएंगे, गैसों में करंट फ्लो होगी। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से गैसों में करंट फ्लो होगी। क्या होगी, गैसों में करंट फ्लो होगी। तो इन तीनों के कारण जब गैसों में करंट फ्लो होगी, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि गैसों में करंट का फ्लो किसके कारण होता है, उसमें होता है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के कारण ही गैसों में करंट फ्लो होती है। ठीक है दोस्तों।